देखिए, हमारा जो बैठक है वो रूटीन में बैठक है, कोई स्पेशल मीटिंग नहीं है, ना वो कुछ सिर्फ बाबरी मस्जिद के लिए बुलाई गई है। जो हर 3-4 महीने पर हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, वही मीटिंग है। उसका एजेंडा 9 अक्टूबर को जारी हो गया था, 9 अक्टूबर को नोटिस आ गया था। तो अब जाहिर है कि उसमें कोई विहिप का या RSS का जो प्रोग्राम है वो डिस्कस नहीं होते हैं। हम तो अपने मुकदमात की डिटेल्स देते हैं और उनमें क्या कोई कार्रवाई नहीं करना है वो देते हैं। ये जो सूरत हाल है मुल्क की, उस पर हमारे जनरल सेक्रेटरी का बयान आ चुका है कि ये बहुत डिस्टर्बिंग है और इससे मुल्क को नुकसान हो रहा जी। यानी खाली मुसलमानों का इसमें नुकसान नहीं, पूरे देश का नुकसान है। अगर कहीं पर कोई वाकया हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का हो जाए, तो उससे जाहिर है कि सिर्फ मुसलमान अफेक्टेड नहीं होते हैं, पूरा इलाका अफेक्टेड होता है। तो इसलिए आप किस नज़रिए से देख हम रहे तो देख रहे हैं कि ये चीज़ें कतई गलत हैं। जब मुकदमा कोर्ट में है और कोर्ट का आदेश है कि वहाँ स्टेटस को रहेगा, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। हम लोगों ने 94 से इसीलिए स्टेशन बंद कर दिया था जब इस्माइल फारूकी का जजमेंट आया था। क्या मंशा देख रहे हैं जो इन मंशा? तो को हम जो है वो यही कह सकते हैं कि ये सिर्फ उनकी एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी है इलेक्शन में हिंदू वोटर्स का पोलराइजेशन, ये उसका उसका एक एम है। और जो RSS BJP विश्व हिंदू परिषद मिलकर कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग बयान आते हैं, मीडिया का सारा टाइम इसी में एंगेज रखना, ये उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है। फिरंगी महली साहब ने कहा है कि जो बैठक होगी आगामी उसमें राम मंदिर पर रिपोर्ट की चर्चा होगी, साथ साथ 3 तलाक जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो वो भी एक एजेंडा तो आइटम है ना, मुकदमात। तो मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ में मुकदमा चल रहा है और ऑर्डिनेंस आया है, तो जाहिर है वो तो पार्ट ऑफ एजेंडा हो गई।